नमस्कार बच्चों। तो अब हम लोग रिवीजन शीट करने वाले हैं। रिवीजन शीट में आप लोग पेज नंबर 9 निकाल लीजिए। मेरी जो रिवीजन शीट है यहाँ, वो पेज नंबर अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर पेज नंबर 9 मेंशन कर दिया है। आपके रिवीजन शीट में ये पेज नंबर 9 में है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ एक श्लोक आप लोग भी बोलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए अभी सभी रिलैक्स हो जाइए और अपनी रिवीजन शीट, जो न्यू वाली रिवीजन शीट है, उसमें पेज नंबर 9 निकाल लीजिए। उसका क्वेश्चन 6, प्रश्न 6 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पाठ 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पाठ 5 का 6ठा प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न है, छायादार पेड़ों के नाम लिखिए। छायादार पेड़ का अर्थ क्या हुआ? जिस पेड़ से हमें छाया मिलती है, ठीक है? जिस पेड़ से हमें छाया मिलती है, तो किस तरह के पेड़ से हमें छाया मिलेगी बताइए? जो बहुत ही बड़े और फैले हुए होते हैं तभी हमें छाया मिलेगी। अगर खजूर का पेड़ होगा, अशोक का पेड़ होगा, तो इन सब पेड़ों से छाया नहीं मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ लंबे होते हैं, ठीक है? तो पहला नीम, आम, बरगद, पीपल, शीशम, ये जो पेड़ हैं, वो आप पढ़ते हो ना, साइंस में भी पढ़ते हो आप, ट्री क्या पढ़ते हो? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। तो वही है, जो पेड़ बहुत बड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, वो पेड़ कहलाते हैं। छायादार पेड़, जिसमें पत्ते भरे होते हैं, काफी पत्ते होते हैं और फैले हुए होते हैं, वो छायादार पेड़। तो इन तरह ये सब जो पेड़ हैं, इससे हमें छाया मिलती है। पहले जमाने में लोग पैदल यात्रा बहुत ज्यादा करते थे। अभी क्या है, हम लोग सभी के पास गाड़ी होती है, कहीं भी जाना होता है गाड़ी निकाले चले गए। लेकिन बहुत पहले समय में लोग पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उस समय इतनी गाड़ियों की साधन नहीं थी। उस समय लोग जब चलते चलते थक जाते थे, तो इन छायादार पेड़ों के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेते थे, फिर चलते थे, ठीक है? अब 7 में है, गर्मियों में बिकने वाले फलों के नाम लिखिए। गर्मियों में, गर्मी का मौसम कब आता है, किस किस महीने में आता है बताइए? मई, जून,
अप्रैल मई जून ये गर्मी की सीजन होती है, तो इन सब इस महीने में हम कौन कौन सा फ्रूट कौन कौन सा फल खाते हैं जो बाजार में आसानी से मिल जाता है, बताइए। आम, लीची, खरबूजा, संतरा, जामुन, ठीक है, ये जो फल हैं वो गर्मी के मौसम में ही पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए, अब आपको पेज नहीं पलटना है, मेरी वर्कशीट अलग है इसलिए मैं पलट रही हूं, आपको नहीं पलटना है पेज। अब पाठ छः, पेज नंबर 9 में ही पाठ छः, पहला है, इन पंक्तियों को जोर जोर से पढ़कर सुनाइए। इन पंक्तियों को जोर जोर से पढ़कर सुनाइए। ये जो पंक्तियां लिखी हुई है इसे आपको जोर जोर से पढ़ना है और सुनाना है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। आपसे सीखा और जाना, आपको ही गुरु माना, सीखा सब आपसे हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना, ठीक है। तो इसे आपको 2 times रीड करना है। क्या करना है आपको? 2 times रीड करना है इसे। उसके नीचे है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। पाठ 6 से ये कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। दयालु, दयालु का अर्थ होगा दयावान। नीचे है निंदा, निंदा करना मतलब किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना। चरण, चरण का अर्थ होता है पांव, पांव मतलब पैर, चरण मतलब पैर, पांव। शिष्य, शिष्य विद्यार्थी, छात्र विद्यार्थी शिष्य, ठीक है। ये सारे एक दूसरे का समानार्थी शब्द भी होता है। अगर आपको कहा जाए दयालु का समानार्थी शब्द बताइए, दयावान बोल सकते हैं, निंदा का बुराई बोल सकते हैं, चरण का पांव पैर, शिष्य का विद्यार्थी छात्र चेला, तो ये क्या है, समानार्थी शब्द भी है, ठीक है। अब आप लोग अपनी रिवीजन शीट का पेज पलट लीजिए और पेज नंबर 10 में आ जाइए। पेज नंबर 10, पलट लिए सभी। अब उसमें क्या है, तीसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इसमें पेज नंबर 10, ठीक है। तीसरा है शिष्य के गुण लिखिए। किसके गुण? शिष्य के गुण, शिष्य मतलब विद्यार्थी आप लोग, तो आपके क्या क्या गुण होना चाहिए, आप लोगों का
क्या क्या गुण होना चाहिए? देखिए, परोपकारी मतलब दूसरों पर उपकार करना, दूसरों के लिए सोचना, ईमानदार, कर्मठ, ईमानदार का मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना, कर्मठ मतलब दृढ़ होना कि हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, हमें या तो कोई भी काम, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, कि जो भी काम हमारा है वो हम कर्मठता से करें, उसे हम अपना समझ कर करें कि ये काम हमें सुचारू रूप से पूरा करना है। फिर है दयालु, ठीक है, फिर है दयालु, दयावान होना चाहिए, दूसरों के प्रति दया करनी चाहिए, मेहनती होना चाहिए, हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए, बुद्धिमान, हमें अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, हम किसी से बात करें तो विनम्रता पूर्वक, उग्र नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, आज्ञाकारी, आपको अगर कोई भी बड़े आपको घर में, स्कूल में या कहीं भी अगर कुछ काम बोलते हैं तो आपको वो काम कर लेना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं, ये काम हमें बोला गया है तो हम इसे पूरा कर लें। ठीक है, अब नीचे एक पहेली है 4 नंबर में, देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम हमेशा खाने के लिए ही खरीदते हैं लेकिन कभी खाते नहीं? बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम हमेशा खाने के लिए ही खरीदते हैं लेकिन कभी खाते नहीं? बताइए, सोचिए सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। बहुत ही आसान सा उत्तर है, अगर आपको ये पहेली समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं बताती हूं क्या होगा। थाली, थाली जो होती है उसमें हम खाना रखकर खाते हैं, ठीक है, खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे हम खाते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 10 में ही देखिए, ये मेरी वर्कशीट अलग है इसलिए मुझे चेंज करना पड़ रहा है, मैं बार बार बोल रही हूं, आपको उसी पेज में देखना है। 5, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से शब्द बनाइए, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से शब्द बनाइए, मह, अब ये जो संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं उससे आपको एक-एक शब्द लिखना है, मह से लम्हा, शय से शिष्य, सत से अस्त, तव से अस्तित्व। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे हैं आपके क्लास वर्क वो आप तो साथ साथ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब उसके नीचे है 6 नंबर में, चित्र में रंग भरकर 5 वाक्य लिखिए, चित्र में रंग भरकर 5 वाक्य लिखिए, तो ये चित्र किनका है? बताइए, गांधी जी। ठीक है, ये चित्र किनका है? गांधी जी का, तो गांधी जी के ऊपर आपको 5 लाइन खुद से लिखनी है। फर्स्ट में भी आपको ऐसे मैंने कराया था, गांधी जी उनके बारे में आपको यहाँ 5 लाइन लिखने हैं। ठीक
ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का, जो कि चित्र आपका पेज नंबर 10 में है और ये जो लिखने के लिए स्पेस दिया है वो चित्र ये पेज नंबर 11 में है। ठीक है, अब 11 पेज नंबर में देखिए नीचे, ये तो आपका होमवर्क है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके नीचे प्रश्न 7,